जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस से ठीक 6 दिन पहले और दीपावली से 8 दिन पहले यानी कि 18 अक्टूबर मंगलवार को मंगल पुष्य नक्षत्र के साथ सिद्धि योग और साध्य योग होगा। दोस्तों, मंगलवार को दिन भर मंगल पुष्य नक्षत्र के साथ शुभ मुहूर्त में आप जमकर खरीदारी कर पाएंगे। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, इसके महत्व की बात करें तो पाणिनि संहिता में लिखा गया है कि पुष्य सिद्धौ नक्षत्रे सिद्धयन्ति यस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्धयः पुष्यन्ति यस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। यानी कि पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक सर्वार्थ सिद्ध होते ही हैं और निश्चित ही फलीभूत भी होते हैं। और इसके साथ दोस्तों, वेदों में भी पुष्य नक्षत्र के बारे में लिखा गया है कि पुष्य को ऋग्वेद में तिष्य यानी कि शुभ या मांगलिक तारा कहते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को प्रतीक चिन्ह माना जाता है तथा ये प्रतीक चिन्ह भी हमें पुष्य नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। गाय को दोस्तों हमारे भारतवर्ष में प्राचीन तथा वैदिक काल से ही पूजनीय माना गया है और गाय के दूध की तुलना वैदिक संस्कृति में अमृत के साथ की जाती है। और दोस्तों पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकले ताजे दूध जैसा पोषणकारी लाभप्रद व शरीर और मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। इसीलिए दोस्तों ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता वृद्धिकर्ता और सुख समृद्धि देने वाला भी कहा गया है। दोस्तों, इसके शब्द के अर्थ को समझे तो पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना या पोषण करने वाला। पुष्य ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है और दोस्तों इस शब्द के ही अनुसार ये नक्षत्र सौभाग्य समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। और दोस्तों कुछ वैदिक ज्योतिषों के अनुसार पुष्य को तिष्य भी कहा गया है और तिष्य शब्द का अर्थ होता है शुभ होना। यानी कि पुष्य नक्षत्र को शुभता ही प्रदान करता है। और दोस्तों मतों के अंतर के कारण ही पुष्य शब्द को पुष्प का बिगड़ा रूपी मार शब्द के कारण भी ये नक्षत्र सुंदरता और पवित्रता लिए हुए हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी कि 2022 में ये नक्षत्र किस समय से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी मंगलवार 18 अक्टूबर को मंगल पुष्य नक्षत्र सुबह में 5:13 से शुरू होकर बुधवार यानी कि 19 अक्टूबर को सुबह 7:06 तक रहेगा और 18 अक्टूबर को सिद्धि योग जो शाम को 4:53 तक रहेगा और उसके बाद में साध्य योग शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मंगलवार के दिन प्रशिक्षित होने से वर्धमान नाम का शुभ योग भी रहेगा और इस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ सिद्धि और साध्य योग दिन भर रहने वाले हैं। और इस समय में दोस्तों आप सोना चांदी तांबा वही खाते भूमि भवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम कलम दवा ज्वेलरी कोई भी अपना वाहन है या कोई भी संपत्ति जो इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करें चौघड़िया मुहूर्त की दोस्तों, सुबह से शाम तक की खरीदारी के लिए तो प्रातः चर लाभ अमृत का जो चौघड़िया है वो सुबह में 9:15 से शुरू होगा जो कि दोपहर में 1:32 तक रहेगा। वहीं शुभ चौघड़िया दोपहर में 2:57 से 4:23 तक रहने वाला है और शाम को लाभ का जो चौघड़िया है वो 7:23 से रात को 8:57 तक रहेगा। बात करें रात्रि की चौघड़ियों की तो शुभ अमृत चर का चौघड़िया है रात को 10:32 से 19 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग 3:15 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस शुभ समय में आपने इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने जो भी परचेजिंग करनी है आप इस शुभ मुहूर्त में करें ताकि ये जो शॉपिंग है वो आपके जीवन में शुभता लाए संपन्नता लाए और ढेर सारी खुशियां लाए। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएँ।